हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सब बच्चे जो कि अब 5th क्लास से 6th क्लास में प्रमोट होकर आए हैं, उन सब बच्चों का आपका 6th क्लास में स्वागत है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे भी स्वागत है। तो आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 1 करेंगे, जो आपकी सरकार की तरफ से आ रही है। आपकी जनरिक सब्जेक्ट पर आएगी, तो आप इसकी कॉपी बना लें अलग से। तो जो भी आपकी वर्कशीट आती जाएगी, आप उस पर रोजाना करते रहेंगे। तो फर्स्ट वर्कशीट है, इसकी डेट है आपकी 5th अप्रैल 2021। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको कक्षा अध्यापक अभी कंफर्म नहीं है तो आप यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। हम फर्स्ट है, अनुमान लगाए कि अकबर और बीरबल मन में क्या सोच रहे हैं आप, क्या आप अपनी कल्पना से इस पर एक छोटी सी कहानी बना सकते हैं, कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दी गई, देखो जैसे यहाँ पे एक आदमी है, वो एक फल लेके खड़ा है आम के, ये आम का पेड़ है और ये अकबर है और ये है बीरबल। तो इसमें आपको एक स्टोरी बतानी है, तो लिखते हैं बच्चों यहाँ पे एक स्टोरी। यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है, आपको ये पूरी की पूरी स्पेस में यहाँ पे लिखनी है। तो आप लिखेंगे क्या इसमें, बताती हूँ मैं, बहुत ही इंटरटेनिंग है ये। तो लिखते हैं इसमें, एक दिन एक व्यापारी एक टोकरी आमों की लेकर आया। आपने एक व्यापारी देखा तो वो क्या लिखे, टोकरी आमों की लेकर आया। बादशाह और बीरबल दोनों ही आम खाने लग गए। बादशाह आम खा के गुठलियाँ बीरबल की मेज के नीचे फेंकते जा रही थी। तो दोनों के दोनों आम खाने लगे, तो जो बादशाह क्या कर रहे थे, जो आम खा के गुठलिया जो थे वो बीरबल की टेबल के नीचे फेंकते जा रहे थे। फिर वे ज़ोर से बोले, बीरबल मुझे नहीं पता था तुम आम खाने के इतने उस्ताद हो, मतलब तुम इतने ज़्यादा आम खा लेते हो। तब बीरबल ने मेज के नीचे देखा, उनकी ओर तो आम की गुठलियों का ढेर पड़ा था, जबकि बादशाह की ओर एक भी गुठली नहीं थी। तो बीरबल तुरंत बोले, अकबर सलामत, ये बात तो सच है कि मुझे आम बेहद पसंद है, लेकिन मैंने तो आम का गुद्दा ही खाया है, लेकिन आपने तो गुठलियाँ ही खा ली, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, अकबर के ऊपर क्या हो गया, कमेंट हो गया। तो ये बीरबल ने कहा, तो इसमें आप ये वाली पोएम पूरी की पूरी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो पूरी पूरी पोएम आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ये सारी की सारी जो भी लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो ये पूरी हमारा जो वर्कशीट थी, ये आज एक ही टॉपिक था, तो ये पूरी वर्कशीट हमारी कम्प्लीट हो गई है। अब आप हायर क्लासेस में आ गए, 6th क्लास के बड़ी क्लास कहलाती है। तो अब क्या करेंगे, मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर दें, और जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएंगे ऑल सब्सक्राइब पर्सनलाइज नन, तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो जैसे आपकी कल की वर्कशीट है वो भी मैं आज शाम तक डाल दूँगी, तो जैसे मैं डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा, और साथ के साथ आप अपनी उस वर्कशीट के सॉल्यूशन को अपनी जर्नी की कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, फर्स्ट डेट से ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते जाए, लिखते जाए, समझ के करते जाए, ठीक है। जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें बच्चों, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।